यूजली विंटर्स में क्या होता है कि कोकोनट ऑयल जम जाता है बोतल में. सो व्हाट आई डू, मैं कोकोनट ऑयल को मैंने मेल्ट कर लिया है गैस पे या अवन में, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे. एंड उसके बाद आप कोकोनट ऑयल के कुछ दो तीन ड्रॉप्स लें और अपनी स्किन पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें. एंड देन यू विल सी दैट योर स्किन इज़ मॉइस्चराइज्ड एंड जो ड्राई एरिया था आपकी स्किन का वो सडनली मॉइस्चराइज हो गया. और उसके बाद आपको पूरे दिन अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाना पड़ा. सो ये एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसमें ये ऑर्गेनिक है और हमें रिस्क का, स्किन सेंसिटिविटी का, स्किन पे इन्फेक्शन होने का या किसी भी साइड इफेक्ट का, यू नो, वी डोंट हैव टू थिंक बिकॉज ये हर स्किन टाइप को सूट करता है. सो मेरा तो मेरे घर में मेरी मम्मा ये यूज़ करती थी, मेरी दादी ये यूज़ करती थी, मेरी फैमिली में बहुत सालों से वी आर यूजिंग एंड आई थिंक आपकी फैमिली में भी बहुत सालों से, यू नो, दिस कोकोनट ऑयल हैज़ बीन इन यूज. सो हम अपने रूट्स को क्यों छोड़े, राइट? हमें अपने रूट्स को पकड़ के रखना है. सो इन दीज विंटर्स इफ यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ड्राई स्किन इशू, इंक्लूडिंग योर मॉइस्चराइजर, योर अदर प्रोडक्ट्स दैट यू यूज, आप कोकोनट ऑयल को भी यूज़ करें. और इसको स्किन पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, दो तीन ड्रॉप्स हाथ में लेने हैं और अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई करके स्किन को मॉइस्चराइज करना है.